एयर मॉडलिंग की बात की जाए, कहाँ तक जाने का इरादा है, कितना आगे बढ़ने का इरादा है? ये एज अ स्पोर्ट, प्रोफेशनल स्पोर्ट मुझे करते रहना है। जब पहला मॉडल जब मैं 4 साल का था तब मैं उड़ाया था। आप पतंग उड़ाने की उम्र में आप एरो मॉडल उड़ा रहे हैं? हाँ। नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका हरियाणा आज पर। पिंजौर के एयर मॉडलिंग शो में हूँ और इस तरह के मॉडल यहाँ पर हैं। आप देखेंगे, जहाँ भी देखेंगे लड़ाकू भी हैं, घरेलू भी हैं, सभी तरह के। इनको कौन उड़ाता है, इनको कौन ट्रेन करता है, कौन ट्रेन होके इसको खेल को लेकर इंटरनेशनल लेवल तक अपनी छाप छोड़ता है? हर्षिल माने हमारे साथ हैं, वो पूना से हैं। और हर्षिल, कितने कंपटीशन नेशनल इंटरनेशनल आपने लड़े हैं अभी तक? नेशनल कॉम्पिटिशन्स 2014-15 नेशनल कॉम्पिटिशन रह चुका हूँ और 2016 से मैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन चालू किया है जाना, और 2019 तक जब लॉकडाउन के पहले था तभी तक मैं जा रहा था। कितने कंपटीशन जीते हैं? मैंने अभी तक मुझे है 7 पोडियम फिनिशेस है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में से एक कौन सा था नंबर, और 15 कंपटीशन जा चुका हूँ मैं। कितना महंगा ये खेल है और परिवार का कितना सपोर्ट आपको मिलता है और कितना होना चाहिए? परिवार का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है, मतलब कॉलेज के साथ साथ मुझे ये भी करने देते हैं जी, और अच्छा है मतलब हाँ, ये भी सपोर्ट भी अच्छा है पर सपोर्ट। अगर हर्षल पढ़ाई की बात की जाए, पढ़ाई में कहाँ तक क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहा हूँ MIT WPU से, जो पुणे में है जी जी, और डिज़ाइन कोर्स है, डिज़ाइनिंग कोर्स। तो अगर एयर मॉडलिंग की बात की जाए, कहाँ तक जाने का इरादा है, कितना आगे बढ़ने का इरादा है? ये एज अ स्पोर्ट, प्रोफेशनल स्पोर्ट मुझे करते रहना है, और एज अ प्रोफेशन और एज अ करियर मुझे मेरा जो कॉलेज में है कोर्स चल रहा है उसके लाइन में चलना, उसके लाइन। हाँ, चलिएगा, उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। हाँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। एक और हमारे साथ छोटे पायलट हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम माज अंसारी है। कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई महाराष्ट्र से। मुंबई महाराष्ट्र से। सुना है कि 3 साल की उम्र में आपने एरो मॉडल उड़ाने शुरू कर दिए थे। जी, मैंने तब से प्रैक्टिस चालू की थी जी। मैंने अपना सबसे पहला मॉडल जब मैं 4 साल का था तब मैंने उड़ाया था जी जी। और कैसे आपको एयर मॉडलिंग का चस्का लगा, कैसे इस फील्ड में आप आए हैं? मेरे डैड ने मुझे इसमें इसके अंदर लाया, सो मैं ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने सबसे पहले चालू किया था, वो हम सबको सिखा चुके हैं। फिर उसके बाद मेरे डैड ने उन्होंने मेरे डैड को सिखाया, अब डैड मुझे सिखा रहे हैं, सो ये पूरी फैमिली में चलता रहता। कितने साल के हैं अभी आप? मैं अभी 13 ईयर्स का हूँ। और कितने बड़े बड़े जहाज जो आपके एयर मॉडल है वो चलाते हैं आप? अभी तो मेरा मैक्सिमम साइज 104 इंचेस का एक मेरा एयरक्राफ्ट है जो मैं उड़ाता हूँ, वो मेरा डेमो प्लेन है। हाँ। और कितने आपके पास प्लेन हैं, कितने आपके पास एयर मॉडल हैं? हमारे पास हमारे घर पे एक वर्कशॉप है जिसमें अराउंड 7 to 8 प्लेन्स है। 7 से 8 मतलब अलग अलग साइजेस। वो आपके दादाजी भी उड़ाते थे, आपके पापा भी और आप भी उड़ाते थे? हाँ जी। मतलब आप पतंग उड़ाने की उम्र में अब एरो मॉडल उड़ा रहे हैं? हाँ। इरादा क्या है, क्या करना है, कंपटीशन लड़ना है? हाँ, मुझे में नाम कमाना है। हाँ, मुझे इंडिया को वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में रिप्रेजेंट करना है एंड होपफुली कम इन पोडियम फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन वो बड़ा खर्चीला होगा, क्या अफोर्ड कर पाएंगे आप? हाँ, खर्चीला होगा, बट मेरे डैड है मेरे साथ। डैड है, सरकार से मदद मिलती है किसी तरह की? अब तक तो नहीं, अभी हमने उनसे कांटेक्ट नहीं किया है, बट अभी तक कांटेक्ट नहीं किया। कोशिश करेंगे कि वो मदद करें। यस। चलिए हर्षिल, आपको हर्षिल आपसे भी जानना चाहूँगा, सरकार की किस तरह से मदद होती है? पुणे में आप महाराष्ट्र से आप आते हैं, महाराष्ट्र सरकार की किस तरह से मदद कभी मिली है, भारत सरकार की कोई मदद मिली है? नहीं, अभी तक तो मिली नहीं है, पर हम कोशिश करें कि कुछ हो। अभी ये भी एयर स्पोर्ट्स का हमारा एयर शो है, पॉजिटिव रिस्पांस आता है सरकारों की ओर से? हाँ, अभी इन प्रोसेस है, तो अभी अच्छा चल रहा है, तो इन प्रोसेस है, अभी तो पता नहीं सकते, पर इन प्रोसेस है और अच्छा हो रहा है। चलिए, एयर शोज तो उनके मतलब उनके साथ साथ ही हो रहा है। चलिए हाँ। देखिए, इस तरह के एयर शोज जो होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करते हैं इन युवाओं को, और इस तरह के मॉडल्स को आप देख सकते हैं। आप ये मॉडल की अगर बात करें तो आप देखेंगे अलग अलग तरह के ये मॉडल हैं, और पायलट के बैठने की जगह ये बनाई गई है, और ये पंखे भी हैं। आप अगर देखेंगे तो ये पंखियाँ सब एक उसी तरह का ये मॉडल होता है जैसा आप बड़े मॉडल देखते हैं, फाइटर जहाज आप देखते हैं,
तो उसी तरह के ये मॉडल्स होते हैं और फाइबर के ये मॉडल हैं, बहुत हल्के होते हैं और लेकिन करतब बड़े खतरनाक ये दिखाते हैं। वीडियोस के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि कितने खतरनाक एक्टिविटीज़ ये करते हैं। तो आप बने रहिएगा हरियाणा आज के साथ, लगातार इस तरह के कार्यक्रमों को, इस तरह के प्रोत्साहित कार्यक्रमों को हम जरूर दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक के साथ यशपालगंज।